बिहार, 16 नदियों और 4 मौसमों वाला भारत के शान की यह जमीन, इतिहास के प्राचीनतम काल से लेकर आधुनिक विकास के ऊंचाई की गवाह ये जमीन। अलग अलग त्योहार, मेले और संस्कृति के पहचान की ये जमीन। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी और 99,200 वर्ग किलोमीटर के रकबे के साथ यह हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है। यह जमीन यहां के लोगों के लिए बेहद अहमियत रखता है। ऐसे में जमीन संबंधित रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखना और भी अहम हो जाता है। जिस निदेशालय में मैं काम कर रहा हूँ, सर्वे निदेशालय में, इसमें 2 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जिसके तहत अभी तक हम लोगों ने खतियान का कंप्यूटराइजेशन किया हुआ है और आज के दिन में करीब 32 जिलों का डेटा वेबसाइट पर प्रकाशित है। अभी हम लोग जमाबंदी का डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं और निकट भविष्य में उसे नक्शे के साथ इंटीग्रेट करके, नक्शे भी हम लोगों ने पूरे डिजिटाइज कर लिए हैं, उस पर हम लोग ऑनलाइन लगान और ऑनलाइन दाखिल खारिज, ये हम लोग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया 2 चरणों में है। पहले इसके नक्शों का डिजिटाइजेशन है, जो खतियान जो पुराने नक्शे हमारे पास कैडेस्टल सर्वे के या रिविजनल सर्वे के, उनके नक्शों की स्कैनिंग करके उनकी फाइल बना के उसको हम लोगों ने डिजिटाइज किया है। और दूसरे चरण में जो टेक्सचुअल नक्शे हैं, पहला तो स्पेशल हो गया जो गाँव का सरजमीन नक्शा होता है, और दूसरा जो टेक्सचुअल नक्शे हैं, जिसका टेक्सचुअल रिकॉर्ड है जिसको हम लोग खतियान कहते हैं, उसका भी कंप्यूटराइजेशन कराते हैं और तब दोनों को आपस में इंटीग्रेट करते हैं। NIC ने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है, भू नक्शा सॉफ्टवेयर, उसके साथ दोनों को जब इंटीग्रेट किया जाता है तो पता चल सकता है कि कौन सी ज़मीन है और उस ज़मीन का स्वरूप कैसा दिखता है। आज के दिन में हमारे पास पूरे बिहार के करीब 1.5 लाख नक्शे डिजिटल हैं और किसी भी रैयत को मांगने पर आधे घंटे के भीतर हम लोग उसको नक्शा उपलब्ध करा सकते हैं। आज के दिन में गुलजारबाग सर्वे कार्यालय से नक्शे पब्लिक को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और फिलहाल 10 जिलों में हम लोगों ने प्लॉटर लगाया है उसके सदर अंचल में, वहाँ से वो नक्शे उसको उपलब्ध होते हैं। निकट भविष्य में हम लोग उसे सभी जिलों में नक्शे उपलब्ध कराएंगे और भारत सरकार का निर्देश भी है कि कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे बिहार में वसुधा केंद्र कहा जाता है, उनके माध्यम से भी पब्लिक को ये नक्शे उपलब्ध कराए जाएँ। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड में हम लोगों ने अभी तक जमाबंदी का कंप्यूटराइजेशन नहीं कराया है, हम जमाबंदी का कंप्यूटराइजेशन कराने जा रहे हैं और उस जमाबंदी के कंप्यूटराइजेशन के बाद उसके आधार पर हम लोग रैयत से ऑनलाइन लगान की व्यवस्था करने जा रहे हैं, ताकि कर्मचारी के अभाव में या कर्मचारी की कमी की वजह से जो रैयतों को दिक्कत हो रही है वो ना हो। कोई भी रैयत डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर अपनी ज़मीन खोज कर उसका डिटेल्स देख कर अपना लगान पे कर सकती है और उसका रसीद वहाँ से प्राप्त कर सकती है। साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन नोटेशन के लिए जा रहे हैं कि रजिस्ट्री विभाग में यदि किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है तो उसको फिर अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन नहीं देना पड़ेगा। NIC ने उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उससे CU म्यूटेशन हम लोग उसका स्टार्ट करेंगे, नोटिस जनरेट करेंगे और उससे ऑनलाइन म्यूटेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटराइज्ड LPC देने की भी बात चल रही है और हम लोग रैयतों को कंप्यूटराइज्ड LPC भी उपलब्ध करा सकेंगे। NLMP नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसका नाम बदल के अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम नाम रखा गया है और उसके अंतर्गत ये निर्देश है कि सभी अंचलों में, बिहार के सभी 534 अंचलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाए जाने हैं, जहां पर रैयतों को नक्शे मिलेंगे, खतियान की प्रति मिलेगी और राजस्व विभाग से जुड़ी हुई जो अन्य जानकारी, अन्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए उस मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से मिलेगी। तो बिहार के सभी 534 अंचल में हम लोग वो भवन बनवा रहे हैं और उसके साथ साथ कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, जो भी सुविधाएं वहाँ देनी है लोगों को दे रहे हैं। आज के दिन में करीब 350 अंचलों में उसका भवन बन गया है, करीब 150 अंचलों में वहाँ पे जो उपकरण स्थापित करने हैं वो स्थापित कर दिए गए हैं और मुझे आशा है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हम लोग करीब करीब 400 जगहों तक उस मॉडर्न रिकॉर्ड रूम को चालू कर पाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए
बहुत आवश्यक है कि लोगों को रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए। और राजस्व जैसे विभाग में जहाँ पे बहुत पुराने एक्ट हैं, बहुत पुराने पुराने सर्कुलर हैं और बहुत स्थापित विधियाँ हैं, लेकिन जो नए कर्मचारी हैं या संविदा पे जो बहाल कर्मचारी हैं, क्योंकि कई बार उनको जानकारी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए जो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत एक प्रोविज़न किया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक NRLMP सेल होगा और उस सेल के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार सरकार ने भी पहले बोधगया में एक राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान था, उसी संस्थान को हम लोगों ने पुनर्जीवित किया है और पटना के शास्त्री नगर में उस भवन का हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहाँ पे नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे जिसमें सर्वे से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी भी वहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है उसकी जो प्रशिक्षण होनी चाहिए उस प्रशिक्षण को हम लोग देंगे ताकि लोगों को फील्ड में कैसे काम करना है, जो उसका नो हाउ होता है उसके बारे में बताएंगे ताकि वो लोग जान सके और फील्ड में जाके तब जनता की सेवा कर सके। राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान है, बेसिकली इसमें सर्वे से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वे में कई पदाधिकारी होते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, SO इसको सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कहते हैं, कानूनगो और उसके सर्वे इंस्पेक्टर, अमीन, तो बहुत से उसमें लोग हैं और हर व्यक्ति का अलग अलग दायित्व होता है और उनका जो काम है काफ़ी टेक्निकल है, तो जब तक हम उन्हें सिखाएंगे नहीं तब तक फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल है। तो राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान इसी उद्देश्य खोला जा रहा है कि लोगों को यहाँ पर अमानत की ट्रेनिंग दी जा सके या ज़मीन की नापी कैसे की जाए इसके बारे में विधिवत प्रशिक्षण दिया जा सके और जो ज़मीन संबंधी विवाद है उसको दूर करने में जो भी नियम कानून और जो सरजमीन पर एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसकी जानकारी इनको दी जा सके, इसी उद्देश्य से ये प्रशिक्षण संस्थान खोला जा रहा है। मैं तो चूँकि खुद इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ तो हम लोग तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए कि कैसे जो चीज़ें संकल्पना में वो धरातल पर उतरें। बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है राज्य सरकार का कि 3 साल में पूरे बिहार की ज़मीनों का सर्वे कर सकें। एरियल फोटोग्राफी में चूँकि विलम्ब हुआ इसलिए हम लोग उसको नहीं कर पाए 3 साल में, लेकिन अगले 3 साल के लिए फिर हमें समय मिला है तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हवाई सर्वेक्षण है उसके माध्यम से नए जो नक्शे बनाने हैं पूरे देश में, इस तरह का ये पहला कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हम लोग कर सकें। और साथ ही जो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और जनता के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा उसको भी हम लोग समय सीमा में पूरा कर सकें, तो निश्चित तौर पर मैं अभी सभी कर्मचारियों को और अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों को आह्वान करना चाहूँगा कि इस काम में हम लोग लगें और इस काम को हम लोग जल्दी जल्दी पूरा करें, इसी यही मेरी शुभकामनाएं हैं।